बारिश का कहर लगातार जारी होने से पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों का मलबा दरक कर सड़कों पर आ रहा है, जिसे हटाने में प्रशासन दिन रात जुटा हुआ है, लेकिन बारिश बंद ना होने के कारण प्रशासन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता पूर्णागिरी धाम का रास्ता पहाड़ी से आए मलबे के कारण बंद हो गया है। मलबे को हटाने का काम प्रशासन की ओर से लगातार जारी है, लेकिन बारिश न बंद होने के कारण मलबे को अभी तक हटाया नहीं जा सका है। उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मलबा हटाने का कार्य प्रभावित हो रहा है। पूर्णागिरी धाम क्षेत्र में फंसे हुए सभी तीर्थयात्री निकाले जा चुके हैं। पैदल रास्ते से लोगों का आना जाना जारी है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द रास्ता आवागमन के लिए खुल सके। उप जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों के अंदर पूर्णागिरी मार्ग पर पुनः यातायात सुचारू हो जाएगा। क्योंकि ऊपर से लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ी मार्ग खुलने में दिक्कत हो रही है। और पूर्णागिरी धाम में जो पहले श्रद्धालु थे और फंसे हुए थे, वो सब निकल गए वहाँ से, और आवागमन लोगों का जो पैदल मार्ग उससे आवागमन है, और अभी कोई जो खाद्य आपूर्ति वगैरह उसकी कोई शिकायत नहीं आई है। और कोशिश करें, प्रशासन कोशिश करेगा कि अगले जो है 2 दिन के अंदर मार्ग को पूर्ण रूप से सुचारू कर दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।